हेलो, वेलकम स्टूडेंट इन इंग्लिश क्लास। आई एम योर प्रोफेसर नरेंद्र पंडित एंड टुडे वी आर लुकिंग अबाउट योर आइडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव सच टाइप ऑफ ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। दैट मीन्स वी नीड टू यूज़ सच idiom and phrases while speaking or writing languages. So idiom and phrases are recognized through experience. It means ये जो idiom और phrases ये कहाँ से होते हैं, हमारे experience से recognize होते हैं। Sometimes what happen, ordinary words fail to embody to experience or catch the spirit of the स्पेशल सिचुएशंस। जनरली क्या होता है कि हम जो लोकल लैंग्वेज रहती है हमारी, जो कुछ भी हम स्पीकिंग करते हैं उस वक्त बहुत बार ऐसे ऑर्डिनरी वर्ड जो होते हैं जिसके कारण हमारी जो लैंग्वेज है उतनी इफ़ेक्टिव नहीं बनती है। ओके, सो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू यूज़ आइडियम एंड फ्रेजेस। आइडियम एंड फ्रेजेस आर मेंट फॉर सच अ सिचुएशंस, दे एनरिच अ लैंग्वेज। देखो, आइडियम और फ्रेजेस यूज़ करके हम हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को क्या एक बेहतरीन लैंग्वेज बना सकते हैं। सो दस इन ऑर्डर टू हैव अ नेटिव कमांड्स ओवर इंग्लिश, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड आइडियम्स। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर कमांड पानी है, अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टूड करना है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हमारे टंग में एज अ टंग यानी थर्ड टंग वी अगर हमको वो अच्छी तरह से बोलने में या फिर उस पर कमांड पानी है, तो हमें आइडियम्स की उसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। आइडियम्स की स्टडी करनी पड़ेगी। द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ऑफ करंट आइडियोमेटिक इंग्लिश डिफाइंस एन आइडियम बाय कॉलिंग इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। देखो, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है कि आइडियम्स होते क्या है। तो ये क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आइडियम्स में होता है। विच फंक्शंस एज अ यूनिट ऑफ मीनिंग एज अपोज टू नॉन आइडियोमेटिक एक्सपीरियंस विच, देखो, आर मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल पार्ट्स, दस ऑफन द यूनिट ऑफ मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट द वर्ड्स एक्चुअली सजेस्ट। देखो क्या इसका मीनिंग डिफरेंट रहता है। एक्चुअली वर्ड्स अगर वर्ड वाइज गए तो क्या उसका मीनिंग अलग ही हमको दिखाई पड़ता है, मगर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जर शब्दाचा अर्थ जर लावायचा म्हटल्यानंतर आयडियम्समध्ये जे काही शब्द आलेले असतात त्या शब्दांचा शब्दाचा अर्थ हा वेगळाच होतो, परंतु ज्यावेळेस त्या सर्व शब्दांचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर त्या त्या म्हणीचा किंवा त्या आयडियम्सचा काय फ्रेजचा काय मीनिंग हा वेगळा ग्राह्य धरल्या जातो। सो दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग और वी कॅन से दॅट व्हेरी एन्जॉयफुल लँग्वेज वी कॅन मेड युझिंग ऑफ आयडियम्स अँड फ्रेजेस इन अवर टॉकिंग इंग्लिश। ओके, so are made up of distinct meaningful parts, thus often the unit of meaning is different from what the word actually suggests. For example, the expression blue bird, iska dekho ye example humko yahan pe diya hai ki blue blood yani blue yani neela, blood yani khoon, dekho तो क्या डज नॉट मीन्स दैट द ब्लड इज ब्लू। अगर यहाँ पे मीनिंग वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है, ब्लड इज ब्लू,
यानी खून कैसा है, नीला है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता है। ये अगर फ्रेज में यूज करते तो, बट इट मीन्स टू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। देखो अगर उसका शब्द सार्थ देखे तो क्या होता है, नीले कलर का खून होता है, मगर ब्लू ब्लड अगर हम एज अ फ्रेज यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। यानी ब्लू ब्लड किसको कहते हैं, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग होता है उसी को हम ब्लू ब्लड कहते हैं। देखो यानी राजेशाही जिसका परिवार है तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, ब्लू ब्लड कहते हैं। उस राजेशाही पर्सन से उनके राजा महाराजों के जो फैमिली से रिलेटेड पर्सन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम ब्लू ब्लड पर्सन ऐसा कहते हैं। डज मी नॉट मीन्स दैट द ब्लू ब्लड। सो सिमिलरली द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड डज नॉट इम्प्लाई एन रियल एप्पल। देखो यहाँ पे रियल एप्पल नहीं होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एप्पल डिस्कार्ड मीन्स क्या, कॉज ऑफ कॉरल भांडणा चे मूळ ज्याला आपण म्हणतो। तर अशा प्रकारचा शब्दसा अर्थ न लावता त्याचा एक वेगळा मीनिंग आणि एक त्या ऑर्नामेंटल मीनिंग इथं आपण अशा फ्रेजेसचा अशा आयडियम्सचा आपण वापरू शकतो भाषेला एकदम अतिउत्तम बनवण्यासाठी किंवा एकदम इंटरेस्टिंग लँग्वेज किंवा एकदम प्रोफेशनल लँग्वेज बनवण्यासाठी अशा प्रकारच्या आयडियम्सचा आणि फ्रेजेसचा आपण लँग्वेजमध्ये यूज करतो। और पँडोराज बॉक्स मीन्स अ कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। देखो पँडोराज बॉक्स यानी बॉक्स, यानी बॉक्स नहीं है, कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कारण। देखो एंड डज नॉट इम्प्ले एनी रियल बॉक्स, तो इट हैज़ एन एसोसिएशन विद द बॉक्स ऑफ पैंडोरा। देखो द एक्सपीरियंस कम्स आउट इन एन आइडियम इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। देखो सो स्टूडेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड दे शुड लर्न इट बाय कॉन्स्टेंटली यूजिंग देम इन देयर राइटिंग एंड स्पीच एंड दो कंटिन्यूस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। देखो स्टूडेंट क्या करना है, कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हो इस तरह के फ्रेजेस, आप अगर आपके लैंग्वेज में आपके सेंटेंस में यूज करते हो इस तरह से आइडियम्स, आप आपके रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो तो आपको भी लैंग्वेज पे कमांड, अच्छी कमांड आएंगी। देखो सम सेंटेंसेस हैव बीन मेड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस एंड देयरफॉर अ स्टॉक ऑफ फ्रेजेस एंड आइडियम्स हैव बीन प्रोवाइडेड। देखो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आइडियम और फ्रेजेस का यूज होता है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस दिए हैं जिसकी आपको स्टडी करने हैं आपके सिलेबस के लिए। 18.1 से लेके 18.4 तक आपको इसका स्टडी, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टडी करनी है हरिमोहन प्रसाद के बुक में से। सो यहाँ पे कुछ आज हम कुछ यहाँ पे फ्रेजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग क्या दिया है, टू डू सम एवरीथिंग यू कैन टू अचीव योर गोल, यानी टू लीव ऑन स्टोन अनटर्न्ड। देखो तो शब्दशः अगर इसका अर्थ देखते हैं हम, वर्ड से मीनिंग देखते हैं तो अनटर्न्ड लीव ऑन स्टोन, देखो यानी स्टोन पे पड़े रहना या फिर नहीं छोड़ना स्टोन को, अनटर्न करिए हुआ यानी क्या करना है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव योर गोल, यानी आपके गोल को पाने के लिए कुछ भी करना, हर जो चीज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ आपको क्या करनी है, पॉसिबल करनी है। सो स्टूडेंट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स दैट इज़ द अनदर मीनिंग अनदर फ्रेज
which is using in your syllabus for your study. The best of both words. Best of both words means the meaning of that phrase is means you can enjoy two different opportunities at the same time. देखो इसका मीनिंग किस तरह से आ रहा है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स यानी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी बोथ यानी दोनों, वर्ल्ड्स यानी दो दुनिया, तो इसका बेस्ट बोथ वर्ल्ड्स इसका दो दुनिया अच्छी दुनिया ऐसा नहीं होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, दो अपॉर्चुनिटीज को एक ही वक्त क्या करना है, एन्जॉय करना है. देखो उसका मीनिंग इस तरह से होता है, बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स टू डेज अ वीक सी मैनेज्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. देखो इस तरह से उसको किस में यूज किया है, सेंटेंस में इस फ्रेज को यूज किया है. देखो अगेन नेक्स्ट हमें सी आई टू आई, सी आई टू आई यानी आंखों से आंखों को देखना, ऐसा उसका मीनिंग होता है क्या वर्ड से, तो हमें वैसा ही मीनिंग उसका नज़र आता है, मगर उसका मीनिंग एक्चुअल क्या है, दिस मीन्स एग्रीइंग विथ समवन यानी किसी के साथ एग्री करना, सहमत होना. दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. देखो सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज किया है, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. देखो यानी फाइनली उनका क्या हुआ है, एग्री हुआ है. ओके सो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, देखो उसका वंस यानी कभी. ओके एक बार इन अ ब्लू मून यानी क्या, नीले चांद में, ऐसा होता है क्या कभी नीले चांद में, ऐसा होता है क्या मीनिंग, नहीं उसका मीनिंग एक्चुअल क्या होता है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रिक्वेंटली, एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रिक्वेंटली उसका मीनिंग होता है. देखो उसको सेंटेंस में किस तरह से बिठाया है, आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून इन फ्रिक्वेंटली यानी क्या, मैं कभी कभार सिनेमा देखने जाता हूँ. आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून. तो इस तरह से आपको व्हेन अ पिग फ्लाइज, देखो व्हेन अ पिग फ्लाइज समथिंग दैट विल नेवर हैपन, देखो उसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट नेवर हैपन. देखो व्हेन अ पिग फ्लाई यानी पिग कभी फ्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं. तो इस तरह से आइडियम्स और फ्रेजेस को यूज करते हुए हम हमारी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, हमारी लैंग्वेज एक सोफिस्टिकेटेड या फिर एक अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.